प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी और आरजे नावेद खान। नावेद, मिर्ची मुर्गा के बादशाह हो तुम, पास नहीं हुए तो बनोगे मुर्गा खुद। गेला। नावेद को मिलता है अंडा, एक और अंडा मिलता है आपको। आप ये हथौड़ा अपने सर पे अगर मार लोगे। कभी कभी अपनी रेडियो से बाहर निकल के दुनिया देख लिया करो। ऐसा हो नहीं सकता। तेरे को लगता है तूने ये सही दिया है जवाब? क्या सोच के सही दिया है? ये क्या आपका फॉर्मेट है क्या? नहीं, फॉर्मेट नहीं है। नहीं, फॉर्मेट नहीं, बट दिस इज रबिश। आज के दो सेलेब्स बैक बेंचर्स नहीं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट वो है जो बायोलॉजी को जूलॉजी में मिक्स करते हैं, इंसान को मुर्गा बनाते हैं, दिल्ली के डॉन आरजे नावेद खान। और उनके साथ आ रहे हैं द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर भीषु मात्रे, जो बन गया है फैमिली मैन, मनोज बाजपेयी। बड़े बैकबेंचर्स सवालों से घिरे, बैकबेंचर्स लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की। मनोज, सत्या, शूल, पिंजर, गैंग्स ऑफ वसेपुर, कृति, अलीगढ़, हाल ही में फैमिली मैन, इतनी सारी सक्सेस जो तुम्हें मिली और आज माई स्कूल ऑफ बैक बेंचर्स, तो कैसे लग रहा है? मतलब आज आके कंप्लीट हुई ना तुम्हारी सक्सेस। आज मतलब लग रहा है मुझे ना कि दुनिया के सबसे बड़ा पद्मश्री तो मुझे अभी मिला है। देखो मैं बोल रही हूँ। नावेद, तुम बताओ जी, मिर्ची मुर्गा के बादशाह हो तुम, मेरी स्कूल ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देने आए हो, पास नहीं हुए तो बनोगे मुर्गा खुद। देखिए, पिछले 14 साल में ये सीख तो लिया कि बनाना कैसे है, आज ये भी सीख लेंगे बनना कैसे है मुर्गा, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ बनने के लिए। Let's begin our first test, which is the oral test. Question number 1. एजी ओजी लोजी सुनोजी, मेरा सवाल है ऑन 4G। 4G में जो जी है उसका क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 ग्रोथ, ऑप्शन 2 गुरुजी, ऑप्शन 3 जनरेशन, या ऑप्शन 4 गर्ल जनरेशन। अच्छा बस हो गया, ये इनको बाहर फेंको यार। आपके 45 सेकंड शुरू होते ना इधर। ओके ओके ओके, जनरेशन नहीं, गुरु क्या? अरे खराब है, हो गया, डाल दिया। वाह, तो आपने लिखा है जनरेशन। तो क्यों आपको लगता है कि 4 ग्रोथ है? हिंदुस्तान की इतनी प्रगति हो रही है कि हिंदुस्तान में अगर जो फोन भी है ना, उनकी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। मतलब वो भी बढ़ रहे हैं, रोज के रोज वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए 4 ग्रोथ। इस आंसर के लिए मैं आपको 5 ग्रेस मार्क्स तो दे सकती हूँ, लेकिन आपका आंसर गलत है और नावेद हैज गिवन द राइट आंसर, जनरेशन। यस, नावेद के पास एक एडवांटेज था। नावेद, आप पहले एयरटेल में काम करते थे, हाँ, इसीलिए मुझे याद है जनरेशन। और सुना है कि जितनी शैतानी आपने स्कूल में की है उससे ज्यादा एयरटेल में, मतलब क्या क्या मुर्गा बनाया लोगों को। फरा, मैं रात की शिफ्ट करता था, मैं कस्टमर केयर में था और मैं लड़की बनके कॉल लेता था। मनोज बात कर रहे हैं रात में। मनोज, आप मुझे कॉल करिए। हाय नमस्कार, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकती हूँ? मुझे एक प्रीपेड चाहिए था। प्रीपेड चाहिए सर, आपके पास प्रीपेड पहुंच जाएगा। मैं खुद लेके आऊं या किसी के हाथ भिजवा दूं? नहीं, आप खुद ही लेके आओ। मनोज बोल रहा खुद ही लेके आओ। सर, मैं वही वाली लड़की हूँ एयरटेल जो घर घर जाके कनेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स आते हैं। बहुत अच्छी आर्ट में देखा, बहुत अच्छी बात है। तो आइए, मेरी पत्नी भी आपको मिलेगी, आपकी बेटी भी मिलेगी, आप सबसे बात भी कर लीजिए। आपकी पत्नी है, फिर तो आप कनेक्शन किसी और कंपनी से लीजिए, मैं नहीं दे सकती। मतलब इतना शरीफ है ना मनोज, फ्लर्ट भी कर रहा है, फोन पे बोल रहा है मेरी पत्नी को। क्या पहले से डिस्क्लेमर लगा के चलो। देखो, आप दोनों के पापा फार्मर्स थे जी, और मनोज आपने हिस्ट्री ऑनर्स भी किए हुए हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू। ताजमहल में जो डोम्स बने हुए हैं, हाँ, वो एक सब्जी की तरह दिखता है, उनका नाम भी उसी सब्जी पर रखा गया है, हाँ। मुझे उस सब्जी का नाम बताइए। ऑप्शन 1 बैंगन, ऑप्शन 2 गाजर, ऑप्शन 3 प्याज, ऑप्शन 4 पत्ता गोभी। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो मनोज ने लिखा है प्याज और नावेद ने लिखा पत्ता गोभी। ये डोम पत्ता गोभी के जैसे दिखता है। नहीं, पहले ताजमहल मुझे प्याज ही दिखता था। पूरा ताजमहल प्याज दिखता पूरा मतलब उसका डोम दिखता था प्याज। तो फिर पत्ता गोभी क्यों लिखा? क्योंकि महंगाई जब से हुई है ना पत्ता गोभी सस्ती है तो मुझे लगता है यार सस्ती चीजें अब तो बोला भी नहीं जाता प्याज। यही पे आप गड़बड़ हो क्योंकि अगर शाहजहां जो है उसने अगर बनवाया इतना महंगा तो महंगी चीज ही रखेगा ना, सस्ती चीज क्यों रखेगा मुमताज महल। इसीलिए आपका जवाब है 100% राइट, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी से इंस्पायर होकर पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 चंपारण में, ऑप्शन 2 पोरबंदर में, ऑप्शन 3 इलाहाबाद में, ऑप्शन 4 लगे रहो मुन्ना भाई में। चंपारण में। तो क्यों बोल रहे हो, यहाँ डालो ना इनको कोई कौन सिखाएगा, आपका टाइम शुरू हो गया। मैं पहले बोल दिया था। नहीं चंपारण वैसे मेरा भी आंसर चंपारण के मैं पहले बोल आपने मार्क्स दे दिए, ये दोनों को आप 10 मार्क्स मिलते हैं। अरे वाह चलिए ये बताइए कि किसके खिलाफ शुरू हुआ था? चलिए गांधी जी का अंग्रेजों ब्रिटिश नहीं अंग्रेजों के खिलाफ तो सब जगह शुरू हुआ, लेकिन क्या आंदोलन क्या कहा गया उसको, किस तरह की ज्यादती हो रही थी? भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, नीलहा आंदोलन। कौन सा? नील की खेती होती थी वहाँ पे, नील की इंडिगो। तो नील की खेती के दौरान में वो हमारा इलाका है और जिस घर को मेरे ग्रैंडफादर्स ने खरीदा वो उस राजा का घर था जिस राजा ने उस अंग्रेज को लीज पे दिया हुआ था। वो अंग्रेज जो सबसे ज़्यादा क्रूअल था, जातियाँ करता था, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके लिए मैं 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। एक्स्ट्रा दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 2019 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 परमवीर चक्र, ऑप्शन 2 महावीर चक्र, ऑप्शन 3 अशोका चक्र, ऑप्शन 4 वीर चक्र। आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या फटाफट लिख रहे हो यार तुम लोग। आपको लगता है परमवीर चक्र, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा यही है। बट परमवीर चक्र दिया जाता है पीस टाइम में और वीर चक्र दिया जाता है जब आप एनिमीज को फेस करके बहादुरी दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी अपनी रेडियो से बाहर निकल के दुनिया देख लिया करो। मनोज आपको मिलता है 10 मार्क्स। नावेद अब अगर तुम कुछ करोगे तो मैं ग्रेस मार्क्स दे सकती हूँ तुमको। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मिमिक्री हो जाए यार, मिमिक्री हो जाए। शायद इस तरह बोलती है फरा, अंदाज ये है कि ओके तेरे को लगता है तूने ये सही दिया है जवाब, क्या सोच के सही दिया है समझ में नहीं आ रहा है, जब मनोज ने बजा दिया तो क्यों बजाया जा रहा है इसको। मैं प्रैक्टिस करूंगा ना रात तक, मैं ऐसा हो जाऊंगा कि आप मत जाइएगा मैं आपके घर चला जाऊंगा, सबको यकीन आ जाएगा आ गई मैडम आ गई। आप मुझे बताओ ये एक दूसरे की नकल करना जरूरी है क्या? आई डिडंट लाइक इट पर्सनली, आई डिडंट लाइक इट जस्ट नो। नावेद की मैं नकल नहीं करूंगा बिकॉज मैं इज्जत करता हूँ वैसे। अरे मुझे लगता है कि इनको भी जो है इनकी नकल नहीं करनी चाहिए, हम लोग एक ही तरह से हैं। ये क्या आपका फॉर्मेट है क्या? नहीं फॉर्मेट नहीं है, बट दिस इज रबिश यार। मतलब अगर ये फॉर्मेट है तो दिस इज रबिश। मनोज इज फाइन। आपने नावेद को क्यों बोला नकल करने के लिए? नहीं मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं मनोज भाई। नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग कामयाब हो जाएंगे मेरा मुर्गा बनाने में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको लग रहा है कि मुर्गा? नेवर। मनोज ये बना नहीं यार, देखो 7000 लोगों को मुर्गा बनाया, इसको मुर्गा पता है क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बने? क्योंकि मैं क्योंकि तुम हंस पड़ी। फरा को देख के थोड़ी सी जान में जान आ गई कि ये मजाक चल रहा है। इसके लिए मैं आप दोनों को 5 ग्रेस मार्क्स देती हूँ। तो मनोज कोई स्कूल में कोएड स्कूल था कि क्या था? नहीं कोएड नहीं था यार। ये पहला क्रश कहाँ हुआ फिर? नहीं, क्रश जो है ना वो गली में चलती हुई लड़कियों पे हो जाता था, ऐसे चलते चलते। हम मतलब कि हम जो लोग कोएड में नहीं पढ़े होते हैं ना, वो आप बाजार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कोई जो लड़की अच्छे कपड़े भी पहन के निकले है तो उसके ऊपर दिल आ जाता है। तो कहीं भी फ्री फंड का किसी के ऊपर आ जाता है, मतलब कहीं से भी कोई दिख गया, क्योंकि इतने भूख के मारे मर रहे होते। और नावेद तुम्हारा इस ज़माने में बताया जाता है कि लड़कियों की हिफाजत करो, लड़कियों का ख्याल रखो। हम स्कूल से ये कर रहे हैं, क्योंकि जब लड़की की छुट्टी होती थी हमारे स्कूल में, उसको घर तक पहुंचाना, और उससे पता भी नहीं चलता था उसकी कितनी सिक्योरिटी में से चल रही है। हम 6-7 दोस्त घर तक पहुँचा के देख के दरवाजे में घुस गए, वापस आ गए। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, क्वेश्चन नंबर 5। देश के समुद्री एरियाज की रक्षा कौन सा सशस्त्र बल करता है? ऑप्शन 1 नील सेना, ऑप्शन 2 जल सेना, ऑप्शन 3 नौसेना, ऑप्शन 4 सीमा सुरक्षा बल। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या लिखा आपने? जल। गेला, संपला, जल, जल है, जल सेना। ये एक नई सेना इन्होंने जो है बनाई। ये कौन सी सेना है? समुंदर। वो हो गई ना नौसेना। नौसेना बोलते हैं ना, नेवी। नहीं, मुझे लगा पानी पानी तो जल। जल आंसर में लॉजिक तो है भाई, जल से पानी और सेना। तो नीर सेना क्यों नहीं हो सकता? नीर सेना मतलब नीर भी तो जल ही होता है। अच्छा, नीर भी जल ही होता है, फिर तो वाटर सेना भी एक पता नहीं क्या क्या है। लेकिन मुझे जल सेना सही लग रहा है। देखिए, जल से मेरा दिमाग में सही आ रहा है। जल चल, जल चल, जल जल में चल, जल में चल। पहला आदमी है जो पानी में तैरेगा नहीं, चल के जाएगा अंदर, सीधा के अंदर। इसीलिए कहता हूँ ये तो रॉन्ग आंसर है। इसीलिए फिर से कहता हूँ रेडियो से कभी कभी रेडियो से तो मनोज, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स और आपको मिलता है अंडा। तो आपके टोटल स्कोर्स ऑफ राउंड 1 में बता दूं। नावेद 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड मनोज 50 मार्क्स आउट ऑफ 50। चलो फिर लेते हैं एक छोटा रिसेस ब्रेक। तुम लोग अपना टाइम पास यार, लेकिन ये यहाँ पे जो जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो, यहाँ तक आने के लिए क्या डोनेशन देनी पड़ती है? अभी अभी मेरी नई नौकरी लगी है, मैं बता नहीं रही हूँ तुम्हें। स्टूडेंट की जगह पे रहो, बेटर होगा। आर यू डोंट बी नॉटी बॉयज। आया फर्स्ट आना ना किस्मत की बात होती है यार। आप क्या करना चाहोगे जिसमें आप सोचते हो कि आप जीत सकते हो? और पंजर लड़ाते हैं यार। पंजर लड़ा? चलिए, हमारे गांव के हैं सर, एकदम हरा। ओ हो हो, आइए यहाँ आइए। मनोज सर, मनोज सर, मनोज सर, मनोज सर, मनोज सर दबा दीजिए, अरे दबा दीजिए, कचकचा दीजिए। आइए 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 मनोज सर। ये कहाँ ले जाए? ना लड़ाई के ना पढ़ाई। चलिए, ये एक ये वाला रखो तो वहाँ पे। अच्छा ठीक, वहाँ रख दो। हाँ यहाँ ठीक है सर। कुछ है पेपर? हाँ, पेपर, सर, पेपर का बना कर दो। अच्छा ये होगा मनोज भाई, इसमें तो मैं आप हरा दोगे। गए, चलो बहुत गए 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 सर। 1 मिनट। हाँ। ये थोड़ा पास है। हाँ। थोड़ा दूर करते हैं। हाँ चलिए चलिए, राउंड 2। अरे हमारे गाँव का है। चलो एक मौका तो दोगे ना। मनोज सर आपकी बारी। मैडम मैडम कुछ नहीं, ये स्टूडेंट लोग कचरा कर रहे हैं। बॉयज आई एम सॉरी। चलो इट्स टाइम फॉर द सेकंड टेस्ट, द रिटन टेस्ट। पहला सवाल मनोज, ब्लैक बोर्ड पे जम्बल्ड लेटर्स लिखे हैं WLEBO। आपको इन्हें यूज करके 45 सेकंड्स के अंदर यही 5 अल्फाबेट से जितने आप बना सकते हो वर्ड्स, थ्री लेटर्स और उससे ज्यादा 2 लेटर वर्ड्स आप बो नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा मिनिमम 3। हाँ, सबसे ज्यादा जो बनाएगा उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। रुको, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाह, माशाअल्लाह लिख रहे हैं। स्पेलिंग कितने लिखने हैं? जितने लिख सकते हो लिखो, वैसे भी तो सारे रॉन्ग ही लिख रहा है तो जितना। ओहो, मैं तो इसमें 10 वर्ड्स बना सकती हूँ। क्या बात करो, बता दो। देखो माशाल्लाह आप दोनों ने लिखे हैं। वाह, ये 3 वर्ड में लिखे हैं। नहीं, ये वेल क्या होता है? वेल, WEL, ये क्या है? वो छोटा वाला अभी मैं लिख ही रहा था। ELBOW, एल्बो, BOWEL, बाउल, BOWL, बोल, ओके, BLOW, ब्लो, BOW, बो, LOW, लो। अरे ये क्या लिख रहे हो? वैसे मैं बोल भी वैसे नहीं। इसके आप दोनों को 5-5 पॉइंट दे। चलो रेडी। बोर्ड्स पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज लगे हुए हैं, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Children's Day, Labor Day. I think so. Yeah. I mean, yeah. Okay. Republic Day. हाँ. पहले 20 Republic Day. 26 जनवरी। मैं मेरा भी यही है। 26 जनवरी Republic Day. मेरा भी है। Valentine Day 14 फरवरी। Labor Day 1 में। Correct. Teachers Day का पता नहीं। फिर आता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, टीचर डे 5 सितंबर। जैसे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो इधर कर दो। ठीक है हाँ, और ये सही है मेरा। 14 नवंबर। नावेद को मिलता है अंडा और मनोज को मिलते हैं 5 पॉइंट्स क्योंकि आपके 2 रॉन्ग थे। नावेद सर, ये वैलेंटाइन डे के बाद आप सब भूल गए? नहीं, मैं चिल्ड्रंस डे असल में नहीं। नावेद को लगा वैलेंटाइन डे पे बच्चे पैदा होते हैं इसलिए नेक्स्ट आएगा। नहीं, मुझे ये लगा फरा, यहाँ पे प्यार होता है तो यहाँ पे बच्चे ही होंगे ना। तो फिर उससे पहले लेबर डे वो पेन वाला, भूल गया मैं। अगले सवाल में आपको कुछ कुछ होता है को समथिंग समथिंग हैपेंस बनाना है, मतलब कुछ हिंदी शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। लिखो परंपरा इन इंग्लिश, प्रतिष्ठा इन इंग्लिश। अरे जल्दी। प्रतिष्ठा इन इंग्लिश, रसायन विज्ञान, बहुप्रचलित, अनुवाद, प्रचलित, अनुवाद। परंपरा मतलब ट्रेडिशन, प्रतिष्ठा मतलब प्रेस्टीज, बहुप्रचलित मीन्स वेरी पॉपुलर, फेमस, रसायन विज्ञान केमिस्ट, वाह वाह, अनुवाद ट्रांसलेशन। और आपने लिखा है परंपरा मतलब परंपरा, विज्ञान मतलब विज्ञान, अनुवाद मतलब अनुवाद। देखो मनोज, आपको मिलते हैं पूरे 10 मार्क्स, लेकिन आई थिंक ये एंटरटेनिंग आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। आपको बोर्ड पे दिए गए हुए कुछ शेप्स और उनके नाम मैच करने हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये पहला व्यक्ति है जिसके ट्रायंगल में ज्यादा साइड्स हैं देन स्क्वायर। ऑक्टा मींस 8। ऑक्टा मींस 8, अच्छा अभी याद रखना। हेक्सा मींस 6। अरे यार, और ट्रायंगल 3 और स्क्वायर 4। ये उल्टा मिलता है मुबारक हो। एक और अंडा मिलता है आपको, और ऑक्सीजन स्क्वायर, और आपको मिलता है पूरे 10 मार्क्स। क्या बात। तो मनोज, इस खुशी के मौके में वो वासेपुर का डायलॉग इसे सुना दे। रामाधीर सिंह को सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ नहीं देखा जाता, मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। एक्चुअली इससे ज्यादा पॉपुलर दूसरा वाला है। हाँ वो हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगर 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा और रामाधीर सिंह के पूरे परिवार से नाच नचाएंगे। हजरात हजरात, ओह गॉड। चलो इस सवाल से पहले अपनी मम्मी को याद कर लीजिए, क्योंकि उनकी दुआओं की जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को। तिवारी खुद काम कर, टेबल्स लेके आ जा, टेबल्स लेके आ जा जल्दी। मैडम क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को इजिप्शियन पिरामिड बनाना है, ईट पत्थर से नहीं बल्कि ये पेपर कप से, और इसके लिए आपको मिलते हैं 45 सेकेंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। अरे यार इसमें भी कॉपी करोगे मतलब? नहीं नहीं यार, पिरामिड गिर गया, टूटनखामन गिर गया। जितना बड़ा बनाओगे उतना। मनोज 30 सेकंड बचे हैं। नहीं नहीं यार ये बड़ा चक्कर है यार, ये निकल नहीं रहा है। अरे गड़बड़ है भाई साहब, ताजमहल नहीं बनाना पिरामिड। जल्दी 15 सेकंड बाकी है। ये इनका इलीगल एरिया में बना रही है। ये मैंने पहली बार ऐसा पिरामिड देखा है। 3, 2, 1 हो गया। नहीं ये लास्ट वाला अलाउड नहीं है। नहीं 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 अरे तो ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो हटा दो। नावेद, हाँ ये पिरामिड है कि पूरे चौल? नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, ये पिरामिड ना, ये जब मिस्र में शुरुआत हुई थी ना पिरामिड्स की, तो सबसे पहले ये बने थे। अच्छा। तो हुआ क्या था, वो परमिशन नहीं ली थी तो वो उनको तोड़ दिया था, तो मैंने सबसे पहले वाला बनाया कि यार ऐसे होते थे पिरामिड। ये क्या है यार ये तो। नहीं 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 नहीं, वो जिन्होंने पहले वाला बनाया था ना उनको उसी के अंदर चुनवा दिया गया था। सबसे पहला वाला ये है। जब राजा आए तो उन्होंने देखा कि यार कुछ तो अधूरा लग रहा है। हाँ। कुछ तो अधूरा लग रहा है करके उन्होंने जो है बहुत सारी मीटिंग बुलाई। हाँ। अपने वजीर बुलाए, अपने मंत्री बुलाए। हाँ। अपनी कई सारी महारानियों को बुलाया उसने। हाँ। और सबसे जो सुंदर उसकी जो महारानी थी। हाँ। उससे पूछा उसने कि महारानी जरा बताइए कि इसमें मुझे सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जिसकी कमी मुझे लग रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंसान में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी बदमाशी ना हो तो इंसान पूरा नहीं दिखता। अरे राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने पूरा इंसान बनाया। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। ये बोल के जो लास्ट का कप डाला है मनोज। तो नावेद मैं आपको 5 मार्क्स दे सकती हूँ, मनोज आपको 10 मार्क्स मिलते। अरे वाह वाह। राउंड 2 में आप दोनों के मार्क्स है। नावेद माशाल्लाह 15 मार्क्स आउट ऑफ 50। मनोज के मार्क्स है 40 आउट ऑफ 50। ये तो आपके 2 राउंड के बाद टोटल मार्क्स है नावेद 40 मार्क्स, मनोज 90 मार्क्स। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी रेडियो से बाहर आ जाओ। अब टाइम है हमारे लास्ट राउंड का, जिसका नाम है स्पीड राउंड। मेरी क्लास में बैक बेंचर बनने का ये आखिरी मौका है। ओके। क्वेश्चन 1, कौन सी 3 वाटर बॉडीज इंडिया को सराउंड करती है? इंडियन ओशन, हाँ, अरेबिक ओशन एंड वो चेन्नई की तरफ वाला कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको? ए चुप बैठो तुम लोग। एक और है आपको पता है? आपको पता है? मिनरल वाटर, नॉर्मल वाटर और बॉइल वाटर। यस यार वो तीसरा नाम मैं भूल गया। देखो इंडियन ओशन आंसर है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, हाँ। तो आप दोनों को मिलता है अंडा। नहीं नहीं नहीं, दो तो सही बोला। आपको -5। -5 क्यों? हाँ क्योंकि गलत हो गया। तो कम से कम 2 के तो मार्क्स मिलेंगे। ऑल 3 बोलने थे, -5। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिमूर्ति में अगर ब्रह्मा रचेता है और विष्णु रक्षक तो विनाशक कौन है? शिव। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। क्या बात, आप ये हथौड़ा अपने सर पे अगर मार लोगे तो शायद कुछ नॉलेज आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग? आपने पहले बजाया था। हाँ, -5 के लिए रेडी हो। मैं तो बाद में बजाया है। इन्होंने पहले बजाया। वंदे मातरम। वंदे मातरम इज द राइट आंसर। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। अरे वाह। नंबर 4। इंडिया की सबसे पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म किसने बनाई थी? इन्होंने बनाई थी। नहीं, इन्होंने पहले बजाया। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बनाई थी। इन्होंने पहले बजाया। इनके नाम पे जो है अवार्ड दिए जाते हैं, और अभी भी किसको दिया गया है जरा बताइए जल्दी से। अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। नाम तो बोलो। नहीं, नाम तो बोलो। एक सेकंड यार, मैं अचानक से याद नहीं आ रहा। हां करेक्ट। एक सेकंड, कोई नहीं देखे। मैं इधर कोई नहीं देखेगा, सब आके ऐसे दादा साहब फालके। यस यार, ये क्यों नहीं पूछ रहे कि इंडिया में सबसे लंबा रेडियो शो कौन सा हुआ था? वो कर रहे हैं यार फिल्में कब से हम बैठे हुए हैं। सबसे रेडियो शो कौन सा हुआ था? सबसे बड़ा आरजे नवेद, हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेडियो जॉकी और सबसे लंबा और सबसे अच्छा शो। बस फाइनल आंसर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये भी गलत है क्योंकि अमीन सयानी साहब का सबसे बड़ा हुआ करता। चलो -5 इसके भी मिलते हैं। ये तो नकल भी नहीं करने देते। नहीं, इसके -5 नहीं दूंगी, ये सिलेबस का पार्ट नहीं था। अच्छा, ये -5 तो नहीं है ना? नहीं है। बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बहुत ये अब मैंने पहले बजाया यार, बहुत ही आसान। किसने बजाया पहले? इन्होंने। रोज। हाँ, कमाल। कमाल, यस। आपको मिलते हैं -5। लोटस। कमल, लोटस फूल जैसा। तो राउंड 3 में मार्क्स है। मनोज, आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। यू वांट टू फील गुड, मैं आपको नावेद के मार्क्स सुना देती हूँ। नावेद को मिलता है, क्योंकि लोगों को मुर्गा बनाता है, इसको मिलता है अंडा। टोटल स्कोर मनोज 110। अरे क्या बात है। और हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड हियर, क्योंकि ये पहला सेलिब्रिटी है जो बैक बेंचर्स में भी फेल हो गया है। यस, थैंक यू सो मच। आरजे नावेद को मिलता है 40 मार्क्स। नावेद का रिपोर्ट कार्ड ब्रिंग्स मुर्गा एंड लंच बॉक्स। ओके। इनका रेडियो कभी बंद नहीं रहता। अरे वाह। रेडियो से बाहर निकल नावेद। और मनोज का, मनोज डिजर्व्स अ स्कॉलरशिप। ओह माय गॉड, अरे वाह। लेकिन ये डीन को कहता है सपने में मिलती है। इन ट्रू और फॉल्स ऑलवेज राइट सत्या। अरे वाह। एंड डेफिनेटली द बेस्ट फैमिली मैन। अरे वाह, थैंक यू। आपकी डिग्री। थैंक यू। आपकी डिग्री और ये आपका, आपकी ग्रेजुएशन केप और क्लास ऑफ 2019 के ऑफिशियल बैकबेंचर मनोज बाजपेयी। लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की लगने वाली। जैसे आंसर पे लिखा है मार्क्स लाने वाले का नाम, उसी तरह गाने पे लिखा है स्टेप करने वाले का नाम। तो स्टेप का टाइम है, तो करते हैं आज का टिकटॉक स्टेप ऑफ द डे। लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की। चलिए, अब छुट्टी का टाइम हो गया है। Keep watching Backbenchers, जहां स्टार्स अपनी नॉलेज और एंटरटेनमेंट से बताते हैं कि वो कितने ओवर स्मार्ट है। Keep watching and keep learning. Good luck, students.